जैसा लॉरेंस इक्वेशन अभी अभी हमने यूज़ किया है। इसके बाद ये सारे नंबर जो है एनसीईआरटी वाला नंबर है 6.6 6.7, मैंने कुछ चेंज नहीं किया ताकि आप रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी देख सको। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप क्विक रिविजन कर सकते हो विदाउट रीडिंग टेक्स्ट, यू जस्ट गो थ्रू द इक्वेशंस। अगर एनसीईआरटी की इक्वेशंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा है दैट मीन्स यू नो इट, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर नाउ यहाँ देखो आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ, टिपिकल ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर, वोल्टेज बाई आर या ईएमएफ बाई आर बोलो, वी इज इक्वल टू आई आर, उसी से हमने ऐसा लिखा है। ईएमएफ हमने क्या निकाल रखा है, बी एल वी बाई आर, इसमें काफ़ी सारे क्रिटिकलिटीज है जो आप बाद में मैं डिस्कस करूँगा, अभी बस फॉर्मूला फॉर्मूला में ध्यान दे रहा हूँ। एंड देन दिस इज वन इक्वेशन, अनदर दिस इज पावर इज इक्वल टू एफ वी, ये काफ़ी मज़ेदार इक्वेशन है स्पेशली फॉर एंट्रेंस बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग। पावर इज वर्क डन बाई टाइम एंड वर्क डन इज फोर्स इन टू डिस्टेंस, तो डायमेंशन ही देख लो इसको, जहाँ भी डाउट होता है डायमेंशन आता है काम में रेस्क्यू में। सो एफ इन टू वी क्या होता है, वी इज एस बाई टी, सो ऊपर क्या रह गया एफ इन टू एस, नीचे रह गया टी, सो वर्क डन बाई टाइम इज पावर, तो हमने कुछ नया चीज़ किया नहीं है। पर मज़े की बात है अभी अभी हमने इससे पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था एफ इज इक्वल टू क्या बी एल वी, अब बी एल वी हो गया और इधर के वी आ गया वी स्क्वायर और नीचे आर आ गया बिकॉज आई आ गया ना इसमें पावर इससे आई आ गया, सो वी कैन इजिली से बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये एक तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू एफ इन टू वी, इससे आपके इलेवेंथ वाला फंडा में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है, जैसा मान लो फोर्स इन टू वेलोसिटी ना बोल के और कुछ बोल के इसको बोला जा सकता है। आप डायमेंशन सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। यहाँ पहले हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया इसको, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये कहाँ से आया एफ इज इक्वल टू आई एल बी, याद करो एम्पेयर्स डेफिनेशन ऑफ वन एम्पेयर, इसमें भी हमने यूज़ किया था आई एल बी, आई इज करंट एल इज लेंथ एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको यूज़ करेंगे आई के वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है बी एल वी बाई आर, तो इसको जब आप जोड़ोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो पावर क्या होगा, अभी ये उल्टा दिया है इन्होंने पर इक्वेशन समझ में आएगा आपको। यहाँ जो पावर आया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आ गया। सो दूसरा एक हिसाब है जो हमारा पुराना हिसाब है पावर का इलेक्ट्रिसिटी में, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है तो आप इसमें बोल सकते हो आई स्क्वायर क्या हुआ पी एल वी बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर, सो ये आर स्क्वायर और आर कट जाएगा और नीचे ऊपर नीचे रह जाएगा सिर्फ आर, सो ये हमारा अल्टीमेट इक्वेशन फिर से आ गया पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। दोनों तरफ से आपने जो पावर निकाला द रिजल्टिंग टू सेम, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन पावर का और ये वाला इक्वेशन पावर का, ये दोनों सेम आया। इसके बाद हम और थोड़ा कलाकारी देखेंगे इसमें, जो बड़े काम की चीज़ है ईएमएफ मैग्नीट्यूड लिया हमने सेम, तो माइनस चला जाए फैराडेज लॉ, इस डीडीटी ऑफ फैराडे बोल रहे डीडीटी ऑफ फाइव बी, अगर हम उल्टा चले लिमिट, मेरे पिछले नॉलेज में आपने अच्छा खासा आप देख लिया, आप यू नो इट ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स के जरिए डिफरेंशिएशन कैसा होता है, तो ये अगर इससे पहले अगर हम लिमिट लिखते हैं इफ़ इन दिस वी राइट लिमिट, यहाँ अगर हम लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो देते हैं तो जाके ये बनता है डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैं चाहूँ तो इफ दिस इज इक्वल टू टेंस टू जीरो तब मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाइव बी, तब मैं इसको लिख सकता हूँ डी डी टी ऑफ फाइव बी, तब मैं लिख सकता हूँ इसको डी डी टी ऑफ फाइव बी। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड, डी डी टी ऑफ फाइव बी। अगर ये डी डी टी ऑफ फाइव बी तब ऐसा हो रहा है तो मैं लिमिट ना दे के इसको ऑर्डिनरी रेशियो फॉर्म में डेल फाइव बी बाई डेल टी लिख सकता हूँ। अब देखो दूसरे हिसाब से हमारा ओम्स लॉ है, अभी अभी हमने यूज़ किया है बात भी किया है, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, अगर ऐसा होता है सो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन से आई आर इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं आई इज इक्वल टू डी डेल क्यू बाई डेल टी इंटू आर,
आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी हम लिख सकते हैं. सो डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू आर. अगर ऐसा होता है दोनों को इक्वेट करो, वी गेट वेरी सिंपल थिंग, डेल क्यू बाई डेल टी आर इज इक्वल टू डेल फाई बी बाई डेल टी. डेल टी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा डेल क्यू इज इक्वल टू, हमारा बचेगा क्या डेल क्यू इज इक्वल टू, दिस इज वेरी सिंपल, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई बी बाई आर. अब आप मुझे पूछोगे ये क्या फायदा देगा. अब सिंपल बात देखो, इससे पहले हमने कभी चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई रिलेशन नहीं देखा था. अभी हमारे पास ये हाथ में आ गया कि चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन और इसके बीच में क्या आ रहा है, काम में आ रहा है. और इस आर क्या चीज है, ऑफकोर्स इट इज रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस यूज किया है यहाँ आर के लिए. सो बाई नोइंग रेजिस्टिविटी यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फाई बी इज इक्वल टू क्यू डेल डेल क्यू आर. तो रेजिस्टेंस के साथ चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट फ्लक्स इन सम केसेस एंड देयर इज ऑफ कोर्स स्पेशल केसेस. हम इसको इंटीग्रेट फॉर्म में ला सकते हैं, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हाथ दे रहे हैं एक्चुअली. बाई नोइंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हाथ दे रहे हैं. तो इसको लापरवाही से मत लेना, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. कॉस थीटा को हम ओमेगा टी लिख ही सकते हैं. अब देखो टी आ गया तो फ्रीक्वेंसी की बात आ गई. अब धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरह से हमें एक्चुअली एसी के फायदा हो रहा है एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस यूज करेंगे. ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी जिन्होंने किया है मेरे साथ सो दे नो इट वेरी वेल. एंड ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या करना है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी आते ही आप अगर इसके ग्राफ बनाते हो, एक तरफ आप यहाँ पर फाई बी पहले देख लो, फाई बी इज इक्वल टू मैं अल्टीमेटली आ रहा हूँ बी ए कॉस ओमेगा टी. हम सीधा इसमें पहुँच रहे हैं, ठीक है, हम सीधा इसमें पहुँच रहे हैं बी ए कॉस ओमेगा टी में पहुँच गए. तो अगर मैं फैराडेज़ लॉ लगाता हूँ इसमें तो ये एन बी ए, देखो हमारा दूसरी तरफ क्या है, इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या ये कॉस रहेगा, थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ये तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद साइन हो जाएगा. अगर ये साइन होता है तो हम इस इक्वेशन में पहुँच जाएंगे एन बी ए, मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से अभी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. अगर ये ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हो जाएगा तो ये जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है ये जो है एन बी ए ओमेगा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ दे सकता है. और ये मैक्सिमम कब देगा, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन है, इसके ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँगा ईएमएफ वर्सेस टाइम, जैसा इस साइड में मैंने दे दिया ईएमएफ और इस साइड में मैंने दे दिया टाइम, तो ये ग्राफ यहाँ एसी के शुरुआत है और आप ऑलरेडी जानते हो इस बात को, तो यहाँ से अगर देते हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा साइनोसोइडल वेव. यहाँ पर हमारा क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री मीन्स पाई बाई टू, पाई दिस इज 3π/2, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड रिपीट, ये चलता ही जाएगा. तो हमारे पास क्या आया, अल्टीमेट इक्वेशन इन सिंपल सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म. हमने मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लिया और हमने बोला एन बी ए ओमेगा को हमने एक साथ लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू एंड हमारे पास इक्वेशन आ गया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये आपका जनरेटर है, आप ऑलरेडी जानते हो, अभी मैंने लाइट वाला पिक्चर में जो दिखाया था वही चीज़ यहाँ आपको फिजिकली दिखाया जा रहा है. यू कैन इजीली सी दिस एंड व्हाट यू कैन सी हियर, ये जो कॉयल है आपका, ये फास्ट वाला कॉयल में आपने क्या देखा, यहाँ पर एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है. यहाँ पर देखो ये क्या है, एरिया वेक्टर इज एट 0 degree विद द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरफ आ रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फर्स्ट केस जनरेटर अंदर ही घूमता जा रहा है. नेक्स्ट मोमेंट में ये इस फॉर्म में आया, इधर आया आपके, ये हो गया 90 डिग्री, फिर से ये उल्टा हो गया 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये चलता ही जाएगा. अब इस पोजीशन का देखो, सिंपल सी बात है, ये जो केस है इधर जो मैक्सिमम केस हुआ इसमें क्या हो रहा है, हमारा 0 degree हो रहा है. साइन से हमने इक्वेशन बनाया तो इस पोजीशन में साइन से अगर एंगल बनाओगे
तो साइन जीरो इज जीरो। एरिया वेक्टर तो इस तरफ है ना, तो एरिया वेक्टर और इसके एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में तब जीरो डिग्री है, और साइन जीरो इज जीरो, तो हमारा ईएमएफ जीरो होगा। नेक्स्ट मोमेंट में ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये अगर एरिया वेक्टर है तो हमारा इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट पल पे ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जब जीरो होगा नेक्स्ट मोमेंट पे आपकी ये आ गया इधर, सो दैट इज अगेन 270 डिग्री, तो ये भी आपका फिर से नेगेटिव माइनस वन देगा, माइनस वन दे देगा, एंड देन अगेन बैक टू 360 जिसमें आपको फिर से जीरो मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टार। व्हाट वी नो नाउ आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर, वी नो द लिंक बिटवीन फ्लक्स एंड वेलोसिटी, ये काफ़ी क्रूशियल है, बहुत मुश्किल से, सिर्फ इतना ही नहीं, हमने फ्लक्स और चार्ज के भी रिलेशन देख लिया, फ्लक्स और रेजिस्टेंस के भी रिलेशन देख लिया, तो हम चाहे तो फ्लक्स को हम ओम्स लॉ में पुट अप करके देख सकते हैं। ये तो आपका टिपिकल ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी आप ले सकते हो, उसमें और आसान हो जाएगा काम, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात ही चलता है उसमें वेक्टर फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात है जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है, करंट डेंसिटी जे, जे से अगर आप फ्लक्स को इनपुट करना चाहोगे आपके हाथ में बहुत कुछ आ सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन फोर्स पावर एंड करंट एक्सेट्रा, सिर्फ इतना ही नहीं बहुत कुछ है, एंड मेकिंग ऑफ एसी, हम एसी कैसे बनाते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो चैप्टर 7 है हमारा, जहां हम आरएलसी में एसी सोर्स दे के काम चलाएंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि आरएलसी में एसी सोर्स देने से हाउ दे बिहेव, तो इससे हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हम आरएलसी में एक्चुअली साइनोसोइडल वेव देने जा रहे हैं, और ईएमएफ वाला हिसाब जो रहेगा हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम सप्लाई देने जा रहे हैं, और उसी से हमारा काम बनेगा। सो विद दिस